नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक पेड़ की, जो हमारे बहुत सारी बीमारियों जैसे पेट दर्द, डायबिटीज़, गठिया, पैचिस, पाचन शक्ति, इम्यून सिस्टम, पाइरिया और एनीमिया जैसी बीमारियों में काम आता है। ये है, आप देख रहे हैं, जामुन। जामुन का पेड़ है, जामुन के फल है और इसको राजमन, काला जामुन, जमाली और इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम या वनस्पति के नाम है सिजगियम कुमिनी है। जामुन के अंदर एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मुंह के संक्रमण को दूर करता। मुंह के संक्रमण का तात्पर्य जैसे पायरिया हो जाता है, दांतों के नीचे से चमड़ी गायब होने लगती है, दांतों के नीचे काला काला जमने लगता है, उन सब में ये फायदा पहुंचाता है। इसलिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। वैसे सीजनेबल फल कोई भी हो, हमें इनका सेवन करना चाहिए। गर्मियों में जो जामुन आते हैं, उनका सेवन करने से एनीमिया के रोगी एंड जिनके अंदर खून की कमी होती है, खून की कमी से मतलब होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो लोग इस जामुन का उपयोग करते हैं, खाते हैं, तो उनमें क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो एनीमिया के रोगी भी ठीक हो जाते हैं। साथियों, उम्र के साथ साथ लोगों का चेहरे का नूर, चेहरे की चमक ठीक ही हो जाती है, या दाग धब्बे हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए भी हम जामुन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप जामुन खा सकते हैं और पत्तियों का लेप बनाकर चेहरे के ऊपर, जिसमें थोड़ा सा आप एलोवेरा मिलाकर लगाते हैं, तो चेहरे की चमक वापस आ सकती है। साथियों, हम जामुन खाने के बाद गुठली को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन गुठली का भी बहुत फ़ायदा है। गुठलियों के भी बहुत ही रोचक फायदे हैं। अगर हम गुठली को इकट्ठी करके सुखा दें और फिर उसको कूट कर, चाहे हमाम दस्ते में कूटें या हम सिलबट्टे पे कूटें या मिर्ची में कूट कर पाउडर बना लें, और उस पाउडर को हम गुनगुने के पानी के साथ आधा चम्मच सुबह सुबह लें एक्सरसाइज, व्यायाम, योग करने के बाद, तो हम जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। उनको डायबिटीज की समस्या है, वो इसका उपयोग ज़रूर करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए हमें इसका उपयोग करते रहना चाहिए। जामुन में कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और जबकि फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम जामुन का उपयोग करते हैं, तो थोड़े जामुन खाने के बाद ही हमारा पेट भर जाता है और पेट भरने से हमें भूख नहीं लगती शाम तक, और इससे वेट लॉस अपना आसानी से हो सकता है। इसलिए हमें जामुन का सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का वेट लॉस, अनावश्यक चर्बी, वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों, जामुन के अंदर विटामिन सी, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण से यह हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इससे हमारा शरीर मजबूत होता है। इसे इसलिए हमें इस और अनेक बीमारियों से बचाता है, इसलिए हमें इसका सेवन करते रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों, ये जैसे किसी के किडनी स्टोन, किडनी के अंदर पथरी है, वो साथी बंधु अगर इसका जूस, पत्तू का जूस निकाल ले और उसमें इसमें 3 काली मिर्च मिलाकर पाउडर मिलाकर सिप सिप करके पीता है, तो उसकी पथरी है वो एकदम से ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर इसका पत्तू की चाय बनाकर भी पीते हैं, तो हल्की फुल्की जो आपकी बुखार होती है वो गायब हो जाती है। अगर तेज़ बुखार है, तो आपको डॉक्टर को आसपास में जो भी है उसको दिखाना चाहिए। हल्की फुल्की बुखार का आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आपकी कैंसर रोधी कोशिकाओं की वृद्धि को भी रोक देता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज उपलब्ध होती है जो अतिरिक्त बढ़ने वाली कोशिकाएँ
ट्यूमर बन जाता है, उस ट्यूमर की गति को कम कर देती है, ट्यूमर को ख़त्म कर देती, नहीं तो ये ट्यूमर बढ़कर कैंसर का रूप ले लेता है और इसे एकदम से ठीक कर देता है। इसके अलावा साथियों ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब जिनको हल्की सी मौसम में बदलाव होने से खांसी चलने लगती है, जुकाम हो जाता है, गले से खांस, गले में खांस आ जाती है और खांसे खांसे सर दर्द, अतड़िया दुखने लगती है लेकिन कफ बाहर नहीं निकलता है, डॉक्टर से चेक कराने पर कुछ भी फेफड़ों में गड़बड़ नहीं होती है लेकिन गला ही खराब हो जाता है उनका, तो ऐसे व्यक्ति अगर इसके पत्तू का जूस बनाकर पीते हैं और इसका फलों का जूस पीते हैं तो उनका ब्रोंकाइटिस जो है एकदम से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जिनको अस्थमा है, अस्थमा के पेशेंट भी इसका उपयोग करें तो वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा साथियों इनके कुछ नुकसान भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे हमें जामुन कब खाने चाहिए कब नहीं खाने चाहिए, इसी के बारे में बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहली बात है कि सुबह भूखे पेट खाली पेट अपने को जामुन नहीं खाने हैं क्योंकि इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है और खट्टा होता है, अम्ल होता है, इस वजह से हमारे शरीर में पेट दर्द, जलन या गैस की समस्याएं हो सकती है, इसलिए हमें इसे बचना चाहिए। जामुन खाने के तुरंत बाद हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए और इसके अलावा हमें दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें हमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे गैस, अपच, पेट दर्द जैसी समस्याएं होने की संभावना रहती है। इसके अलावा साथियों जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, माताएं बहनें हैं जो जिनके दिन चढ़े हुए हैं, उनको इस जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एसिडिटिक अम्लीय प्रवृत्ति का होता है तो उनके समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा साथियों जो डायबिटीज़ पेशेंट है जो इस मेथी के दाने और जामुन की गुठली का पाउडर लेकर खाएंगे तो खाने के लगभग एक घंटे, आधा घंटे से लेकर एक घंटे के बीच में कुछ ना खाए तो वो ज़्यादा असरदार रहता है। दोस्तों अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, इसके आप पे कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसके अलावा साथियों जिसको पैचिस की शिकायत है यानी जिसको बार बार दस्त लग जाती है, भयंकर दस्त लगती है, वो साथी अगर इस जामुन का सेवन करते हैं, इनके पत्तों का जूस पीते हैं तो उनकी दस्त एकदम से ठीक हो जाती है। और जिनके पाचन संबंधी समस्या है, जिनके कब्ज संबंधी समस्या है तो वो पहले से कब्ज वाले हैं तो इसका सेवन कम करें और जिनके कब्ज नहीं है, गैस है, वो इसका सेवन कर सकते हैं और इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।